गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो है बस करो दूसरों के यूट्यूब वीडियो देखना। जब हम दूसरों की वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास भी वो प्रोडक्ट हो तभी हम वो मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, तो गाइस ऐसा नहीं है। आज मैं बहुत ही अच्छे आप लोग के साथ और बहुत ही सस्ता मेकअप प्रोडक्ट जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही बेस्ट मेकअप है। आपको 100 रुपीज़ के अंदर ही वो सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर भी है, बहुत अच्छा क्वान्टिटी भी देता है वो, और ये आपके स्किन को भी डैमेज नहीं करती। ये बहुत ही बेस्ट कंपनी है। तो आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेरा प्रोडक्ट NY की प्रोडक्ट। आज जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो सिर्फ NY के होंगे और इसके प्राइस और लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो 200 के ही अंदर होगी। पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है गाइस, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। वो है मेरा NY का प्राइमर। इसका प्राइमर जो है ना बहुत ही अच्छा प्राइमर और बहुत ही जेल फॉर्म में है और इसके बहुत ही क्रीमी बेस में आपको देता है। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। प्राइमर लगाना हमारी फेस पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारा फाउंडेशन है वो बहुत ही स्मूथ होता है और हमारी फाउंडेशन वो ब्रेक नहीं होता और केकी भी नहीं लगता, इसलिए फाउंडेशन जब भी अप्लाई करें तो वो हम सबसे पहले प्राइमर के ऑरेंज करेक्टर अपने आई के नीचे इसे अप्लाई करेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और ये बहुत ही क्रीमी फॉर्म में है। ये बहुत ही क्रीम फॉर्म में है इसलिए बहुत ईजी से ब्लेंड करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और इसकी क्वांटिटी भी आप देखेंगे तो आपको इतना मिल रहा है, 100 रुपीज़ में इतना मिला तो आप बहुत यूज़ कर सकते हैं, यानी आई डोंट नो कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ एज अ स्टिक फाउंडेशन इसके NY के। आप इसे एज अ स्टिक फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। इसे ब्लेंड करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं कितनी इजीली ब्लेंड हो रहा है। और ये आपको अच्छी खासी कवरेज भी दे रहा है, यानी बहुत ही लाइट नहीं है कि आपको डबल कोट अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत अच्छा कवरेज दे रहा है आपको। आप वीडियो पे देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छा कवरेज दे रहा है आपके पूरे फेस पे और बहुत डार्क भी नहीं, लाइट भी सेड नहीं है, एकदम स्किन टोन से जो भी मैच हो रहा है ऑरेंज सेड अंडर आई को हाईलाइट करने के लिए एज अ कंसीलर। जिनकी लाइट से टोन है ना वो इसे एज अ फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे ब्लेंड कर लेंगे। सबको सेट करूंगी NY कॉम्पैक्ट पाउडर से। मेरा सेट नंबर है 3 और आपको मिलता है ये बहुत ही पफी सा स्पंज ब्लेंडर जिसे आप ब्लेंड स्टार्ट कर लूँगी। पूरी जगह अप्लाई कर लेंगे, पूरी फेस पे। आपका फेस भी काला नहीं कर रहा और अच्छे से आपके फेस को पूरी फुल कवरेज दे रहा है। ये नहीं कि सस्ते ब्रांड है तो आप इसे सिर्फ डेली बेस में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे रेगुलर नहीं, आप इसे पार्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं।
कौन से मैं अप्लाई करूँगी, आई शेडो या आई मेकअप कंप्लीट करूँगी। ये गाइस अब इसे ब्लेंड करेंगे। NY का एब्रो नहीं है, एब्रो पाउडर या एब्रो पेंसिल नहीं है, इसलिए मैं NY की काजल से ही अपने एब्रो को फिल करूंगी। बहुत हल्का लेंगे गाइस वरना बहुत डार्क हो जाएंगे आपके एब्रो। नेचुरल सा लुक यूज करूंगी NY की काजल, इसे मैं अपने लो वाटर लाइन में अप्लाई करूंगी। उसके बाद यूज करूंगी NY की लाइनर, जो मैंने आई मेकअप रखा है बहुत ही सिंपल है, नेचुरल लुक है और बहुत ही इजी है। मैंने कुछ भी आई शैडो अपने नहीं लगाया, सिर्फ हल्का सा लिपस्टिक NY के लगा के स्मच किया है और ये NY के लाइनर लगाऊंगी। कोई मस्करा ना हो तो ये ट्रिक जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो ये है, मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्करा की जगह NY के लिक्विड लाइनर ही, इसे अच्छे से ऐसे स्मच करूंगी। तो गाइस मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा फेस को शेप देना बाकी है, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये NY का कॉन्टोरिंग एज अ ब्लशर भी यूज करूंगी। ऐसे मेरी नोज तो बहुत शार्प है लेकिन फिर भी हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ। हल्का सा ऊपर कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा ब्लश भी यूज कर रही हूँ। अब इसे ब्लेंड करेंगे, उसी डायरेक्शन में ब्लेंड करना है जिस डायरेक्शन में मैंने इसे अप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं कैसा ब्लश का काम कर रहा है। हल्का सा पिच के लिए यहाँ पे मैं पिंक लिपस्टिक का यूज कर रही हूँ। लास्ट है मेरा पिंक लिपस्टिक, तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय।